वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और मैं आज आपको 3BHK सिंपल हाउस टूर कराने वाला हूं, सो बने रहिए। आपको सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घर की एंट्री बेडरूम से हो रही है एंड उसके बाद लिविंग एरिया आ रहा है। चलिए फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड ये फर्स्ट बेडरूम है इसका। एंड इस बेडरूम की साइज़ 9x12x10 है। एंड आप देख सकते हैं इस बेडरूम का इंटीरियर भी काफ़ी ब्यूटीफुल किया गया है एंड बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको वार्डरोब मिल रहा है, पे आप आपकी सारी चीज़ें रख सकते हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे बेड पे डायरेक्ट एंड परफेक्ट सनलाइट आ रही है, क्योंकि ये विंडो भी देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी दी गई है। यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है एंड सनलाइट भी अच्छी आ रही है एंड विंड भी अच्छी आएगी। एंड आपको इस बेडरूम के साथ एक अटैच बाथरूम मिल रहा है एंड इसकी साइज 4x8 है। आप देख पा रहे हैं बाथरूम भी काफी बड़ा है। एंड गाइस, ये इसका लिविंग एरिया है। आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस, काफी हाइटेड लिविंग एरिया है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं परफेक्ट इंटीरियर किया गया है एंड वहाँ से सनलाइट भी एकदम परफेक्ट आ रही है। एंड इस लिविंग एरिया की साइज़ है 11x17x9। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी परफेक्ट और डायरेक्ट सनलाइट आ रही है इस जगह पे एंड इस जगह की वेंटिलेशन भी काफ़ी परफेक्ट है। देख पा रहे होंगे विंडो काफ़ी बड़ी दी गई है। इस विंडो से आपको सोसाइटी का भी पूरा व्यू आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये एकदम परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ से आप टीवी और व्यू दोनों एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे ग्लास की बालकनी मिलती है एंड आप इसको लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया दोनों साइड से एक्सेस कर सकते हैं। दोनों साइड डोर दिया गया है इसका एंड इसकी साइज़ है 6x7x8x0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बालकनी काफ़ी लंबी दी गई है एंड आप यहाँ पे सनलाइट एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ आप सोसाइटी का पूरा व्यू भी ले सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको भी आपकी प्रॉपर्टी इंस्टेंट सेल और परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे से हमको कॉन्टैक्ट करिए। एंड बालकनी के एग्जैक्ट सामने ही आपको डाइनिंग एरिया मिलता है जिसकी साइज़ 9x9x4 है। ये डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं किचन से कनेक्टेड ही है। आप डायरेक्ट खाना बना के यहाँ डायरेक्ट खा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इंटीरियर काफ़ी ब्यूटीफुल किया गया है एंड ये इसका किचन एरिया है जिसकी साइज़ 11x8x4 है। ये एकदम मॉडर्न एंड मॉड्यूलर स्टाइल किचन डिज़ाइन है। देख पा रहे हैं आपको काफ़ी कपबोर्ड्स मिल रहे हैं एंड ऊपर की साइड भी आपको काफ़ी शेल्फ्स मिल रहे हैं जहाँ पे आप आपका सारा किचन का सामान अरेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाजू में आपको एक वॉश एरिया मिलता है जिसकी साइज 4x3x8x4 है। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी जगह दी गई थी ऊपर जहाँ पे आप आपका सामान रख सकते हैं। इस साइड आपको वॉशिंग मशीन भी आ जाएगा आराम से। एंड बेडरूम के जाने के रास्ते के बीच में ही आपको एक वॉश बेसिन मिल रहा है, आप देख सकते हैं विथ मिरर। उसके ही सामने की साइड आपको सेकंड बेडरूम मिल रहा है एंड ये इसका मास्टर बेडरूम है एंड इसकी साइज 10x11x13x9 है।
देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है ये, एंड इसमें आपको एक बालकनी एंड अटैच बाथरूम भी मिलता है। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस बेडरूम का इंटीरियर काफ़ी सिंपली डिज़ाइन किया गया है, पर ये बेडरूम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको दोनों साइड देख पा रहे हैं वार्डरोब मिल रहा है, जहाँ पे आपका इस रूम का सारा सामान और सारे कपड़े एडजस्ट हो सकते हैं। एंड आपको इस रूम के साथ एक अटैच बाथरूम मिलता है, जिसकी साइज 4x6x8 है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म वाला वॉश बेसिन दिया गया है। बाथरूम इनफ स्पेशियस है। एंड ये उसकी अटैच बालकनी है, एंड इसकी साइज 4x6x5x4 है। एंड व्यूज फ्रॉम दिस बालकनी आर ट्रिमेंडस। एंड ये इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है, एंड इसकी साइज 10x11x12x4 है। देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा बेडरूम है ये, एंड यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं सनलाइट कितनी परफेक्ट आ रही है, एंड डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। ये सारे रूम जितने भी आपने देखे सब में वेंटिलेशन एकदम परफेक्ट है, देख ही पा रहे होंगे आप वीडियो में, हर जगह सनलाइट आ रही है रूम में। यहाँ पे आपको इतना सा सिटिंग एरिया मिलता है। एंड यहाँ पे आपको वार्डरोब देख रहे हैं, यहाँ पे भी इस रूम का सारा सामान एडजस्ट हो जाएगा। दोनों साइड आपको इतना वार्डरोब मिलता है, एंड इस बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच बाथरूम मिलता है, की साइज 4x6x8 है। ये अपार्टमेंट SJIS से खाली 5 मिनट की दूरी में है, एंड ये अपार्टमेंट गोदरेज गार्डन सिटी एंड सेवी स्वराज रोड पे लोकेटेड है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।